क्वेश्चन देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहदीन खलम लो त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। बेहदीन खलम त्यौहार जो है मेघालय में मनाया जाता है। बेहदीन खलम मेघालय में मनाया जाता है। माच किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्यशैली है? मध्य प्रदेश की। माच किस राज्य की पारंपरिक नाट्यशैली है? मध्य प्रदेश की। माच मध्य प्रदेश, माच मध्य प्रदेश, बस इतना ही से ध्यान करके याद कर सकते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। उगादी इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार? उगादी जो है कर्नाटक का त्यौहार है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको तेलंगाना भी दे सकता है, इसलिए आप दोनों याद रख लीजिएगा। आपको तीन राज्य देखेगा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये आप कहीं पर तीनों दे सकता है और कहीं पर ज़्यादा। अगर तीनों दे देगा तो आपको कर्नाटक टिक करना है, अगर तेलंगाना दे तो वह तेलंगाना को भी टिक करना है, कर्नाटक नहीं रहे तो, और नहीं रहे तो आंध्र प्रदेश भी टिक कर सके, क्योंकि ये तीनों राज्य मनाया जाता है। कहीं कहीं पर गुजरात भी दिया जाता है, लेकिन सभी राज्य में उगादी का त्यौहार मनाया जाता है, इसको ध्यान से रख लीजिएगा याद। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। मांडू उत्सव गोवा से संबंधित है। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। सत्रिया नृत्य शैली, सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? उगादी का त्यौहार। देखिए यहाँ पर उगादी फिर से आ गया। तेलुगु नववर्ष के शुरुआत का प्रतीक माना जाता है उगादी का त्यौहार। कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कथक किस भारतीय राज्य का है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ड्री उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से राज्य अरुणाचल प्रदेश में ड्री महोत्सव या ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है, ठीक है। हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? सोलुंग त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलुंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और उससे पहले क्या आया था? ड्री उत्सव, ठीक है, इसको भी अब ध्यान रख लीजिए। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सोलुंग त्यौहार भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है। नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। लावणी इनमें से किस राज्य का नृत्य है? महाराष्ट्र का नृत्य है। लावणी इसमें से किस राज्य का नृत्य है? महाराष्ट्र का है। लावणी महाराष्ट्र। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है डैश में मनाया जाता है। जैसलमेर में मनाया जाता है, जो राजस्थान में है। मरु महोत्सव राजस्थान यानी कि जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। बिहू किस राज्य में का लोक नृत्य है? असम का। ये तो सभी को पता होगा बिहू किस राज्य का है? असम का है। यहाँ पर बिहू से तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक कटी बिहू हो गया, एक भोगाली बिहू हो गया और एक बैसागु बिहू हो गया, यानी कि तीन पूछा जाता है, इसलिए तीनों असम से ही मनाया जाता है। जागोई और चोलोम डैश नृत्य की दो शैलियाँ हैं। मणिपुरी नृत्य की दो शैलियाँ हैं। जागोई और चोलोम जो है मणिपुरी नृत्य की दो शैलियाँ हैं। गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है। गोची त्यौहार हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। गोची त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोत्सु उत्सव हर्ष उल्लास का अवसर होता है क्योंकि बुआई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव डैश के एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है मोत्सु त्यौहार। देखिए, मोत्सु महोत्सव या मोत्सु त्यौहार नागालैंड के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों में विकसित हुआ था? असम के मठों में विकसित हुआ। सत्रिया नृत्य कहाँ मठों में विकसित हुआ था? असम के मठों में विकसित हुआ था। और इसके सबसे प्रसिद्ध कौन प्रतिपादक है? शंकर देव, क्योंकि इसी ने शुरुआत किया था सत्रिया नृत्य का। देखिए, मैं ये लोक नृत्य का ये वीडियो हो जाएगा और इसके बाद मैं जो वीडियो अगला वीडियो आएगा आपको वो प्रमुख वाद्य यंत्र और प्रमुख नाट्य शैली जितने भी नृत्य कलाकार है उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस हुए हैं उन सभी का आपको नाट्य शैली और नृत्यकार से वीडियो मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस त्यौहार में भगवान राम के हाथों में राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? दशहरा का त्यौहार। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों से राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? दशहरा का त्यौहार में रावण को जलाया जाता है। फ्लॉट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। फ्लॉट फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। लाई हरोबा महोत्सव जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मेईतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लाई हरोबा डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मेईतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और किस राज्य का है? लाई हरोबा मणिपुर राज्य का है। ठीक है, मणिपुर राज्य का है लाई हरोबा, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। मणिपुर राज्य का है लाई हरोबा। लाई हरोबा किस राज्य का? मणिपुर का। और ये मेईतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य यानी मास्क डांस है? ठीक है, गंभीरा जो है पश्चिम बंगाल का एक मास्क डांस है। गंभीरा किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। गंभीरा पश्चिम बंगाल का एक मास्क डांस है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? छठ पूजा जो है बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, जिसमें सूर्य के देवता के और पानी की नदी की पूजा की जाती है। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। ये तो सभी को पता होगा, कथकली किस राज्य का है? केरल का है। लाहो डैश राज्य का लोक नृत्य है? लाहो जो है मेघालय का एक लोक नृत्य है। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? मेघालय का एक लोक नृत्य है। गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। तमिल सवरदेव मुर्गन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? कावरी अट्टम प्रस्तुत किया जाता है। कावरी अट्टम किस तमिल भगवान देव मुर्गन की पूजा में किया जाता है? कावरी अट्टम। सलहेश त्यौहार डैश राज्य में मनाया जाता है? बिहार राज्य में मनाया जाता है। सलहेश त्यौहार, सलहेश त्यौहार ये नया क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। सलहेश त्यौहार बिहार राज्य में मनाया जाता है। सलहेश त्यौहार बिहार राज्य में मनाया जाता है। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा का है। संगराई एक भारतीय राज्य त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। संगराई त्रिपुरा। संगराई किस राज्य का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? अंबुवाची महोत्सव जो है असम से संबंधित और वो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। अंबुवाची महोत्सव किस राज्य का है? असम का है। बैसागु उत्सव भारत में डैश राज्य से जुड़ा हुआ है? असम राज्य से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन हमने आपको ऊपर का बताया था, बैसागु उत्सव असम राज्य से जुड़ा हुआ है। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ का। राउत नाचा किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। राउत नाचा छत्तीसगढ़। बगुरम्बा किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? बगुरम्बा जो है असम राज्य का एक लोक नृत्य है। बगुरम्बा असम राज्य का एक लोक नृत्य है। असम का अंबुबाची त्यौहार प्रति वर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है? जून के महीने में मनाया जाता है। असम का अंबुबाची त्यौहार प्रति वर्ष जून के महीने में मनाया जाता है, जो कौन से यहाँ पर कामाख्या माता मंदिर में मनाया जाता है, जो वहीं पर मेला लगता है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है? ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत दिया गया है? वांचो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, गिद्धा पंजाब का, ये भी ठीक है। नोंगकरे मेघालय का, लेकिन घूमर जो है ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का, लेकिन बिहार का ये नहीं है। वांचो अरुणाचल प्रदेश हो गया, गिद्धा पंजाब का हो गया, नोंगकरे मेघालय का हो गया, घूमर राजस्थान का हो जाएगा। मैंने एक लोक नृत्य का वीडियो बनाया था, जिसमें सभी टोटल जितने भी राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी राज्य हैं उन सभी का एक लोक नृत्य का वीडियो बनाया था, जिसमें एक राज्य के लगभग मैंने एक राज्य के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो लोक नृत्य के टोटल बताए थे वो लगभग पूरे 28 राज्य के थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश के थे, और सभी राज्य के लगभग 10 से 12 लोक नृत्य थे। उस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला वीडियो होगा। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये हमने को ऊपर ही बता दिया था, असम राज्य में मनाया जाता है। भोगाली बिहू असम राज्य में मनाया जाता है। पाइका एक मार्शल आर्ट लोक नृत्य है। यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है। पाइका एक मार्शल आर्ट है जो किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है।
भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? मेघालय राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। नोंग्क्रेम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी मेघालय में ही मनाया जाता है। नोंग्क्रेम उत्सव भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? बंध नृत्य को जो है गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। और किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोटीपुआ नृत्य हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? केरल की है। मोहिनीअट्टम केरल की, और भरतनाट्यम यह भी केरल की। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल की हो जाएगा। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माघ बिहू मनाया जाता है। ठीक है, तीन क्वेश्चन हो गए जो बिहू से संबंधित होता है, इसलिए एक माघ बिहू जो होता है वो भी असम में ही मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। हॉर्नबिल उत्सव भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। शिपग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य और लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? ताज महोत्सव जो है 10 दिन का मनाया जाता है, जो शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों को भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? जल्लीकट्टू का जो त्यौहार है उसमें बहादुर युवकों को क्रोधित सांडों को सामना करना पड़ता है। और ये जल्लीकट्टू किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो सांडों के रोकने से संबंधित है, जिसमें सांडों से लड़ाई भी समझ सकते हैं आप इसको। एला लकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य? केरल का है। एला लकराडी केरल राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। सत्रिय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है, ये तो सभी को पता हो चुका है। अब बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार या निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य मनाया जाता है। बस इतना ध्यान रख लीजिए, बोनालू त्यौहार जहाँ भी आएगा आप तेलंगाना टिक कर लीजिए। बोनाली त्यौहार तेलंगाना, और बथुकम्बा त्यौहार भी तेलंगाना से ही संबंधित है। भारत किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बस इतना आप ध्यान रख लीजिए, सागा त्यौहार जो है सिक्किम का। सागा दावा सिक्किम का त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव जो है राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। बूंदी उत्सव राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पर्वा ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद बोनालू ये अपने ऊपर में देखे था तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। माथो नाडांग ये हमको नहीं पता है, पता हो जाएगा तो हम आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे। रीता गिद्धा नृत्य करती है या नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। रीता गिद्धा नृत्य जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ओडिशी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। ओडिशी नृत्य शैली ओडिशा नृत्य से संबंधित है। यहाँ पर आपको हम शास्त्रीय नृत्य सारे वीडियो क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा कथकली। ठीक है, कथकली जो है किस राज्य का है? कथकली केरल का है। और मोहिनीअट्टम भी ये दोनों केरल का ही हो जाएगा। उसके बाद भरतनाट्यम जो होता है वो तमिलनाडु का होता है, शॉर्ट में बता देते हैं। ओडिसी जो है ओडिसी वो ये उड़ीसा का ही है। मणिपुरी एक हो गया, ये मणिपुर के हो गया। सत्रिया जो है ये असम का हो गया। और कौन सा एक बच गया? देखिए यहाँ पर कुचिपुड़ी बच गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो ये सारे शास्त्रीय नृत्य आपको याद होना चाहिए। डैश एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खुंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से ओडिशा की लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। छऊ जो है एक मार्शल आर्ट है जो ओडिशा से संबंधित है। दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित? दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित। बस इतना ही ध्यान रख लीजिए, दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सू उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में मोत्सू उत्सव मनाया जाता है। नागालैंड राज्य में मोत्सू उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का एक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है।
उगादी इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार? उगादी जो है कर्नाटक का त्यौहार है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको तेलंगाना भी दे सकता है, इसलिए आप दोनों याद रख लीजिएगा। आपको तीन राज्य देखेगा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये आप कहीं पर तीनों दे सकता है और कहीं पर ज़्यादा, अगर तीनों दे देगा तो आपको कर्नाटक टिक करना है, अगर तेलंगाना दे तो वह तेलंगाना को भी टिक करना है, कर्नाटक नहीं रहे तो, और नहीं रहे तो आंध्र प्रदेश भी टिक कर सके, क्योंकि ये तीनों राज्य मनाया जाता है। कहीं कहीं पर गुजरात भी दिया, यानी कि सभी राज्यों में उगादी का त्यौहार मनाया जाता है, इसको ध्यान से रख लीजिएगा याद। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। मांडू उत्सव गोवा से संबंधित है। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। सत्रिया नृत्य शैली, सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? उगादी का त्यौहार। देखिए यहाँ पर उगादी फिर से आ गया। तेलुगु नववर्ष के शुरुआत का प्रतीक माना जाता है उगादी का त्यौहार। कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कथक किस भारतीय राज्य का है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ड्री उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से राज्य अरुणाचल प्रदेश में ड्री महोत्सव या ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है, ठीक है। हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? सोलुंग त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलुंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और उससे पहले क्या आया था? ड्री उत्सव, ठीक है। इसको भी अब ध्यान रख लीजिए। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, और सोलुंग त्यौहार भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है। नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। लावणी इनमें से किस राज्य का नृत्य है? महाराष्ट्र का नृत्य है। लावणी इसमें से किस राज्य का नृत्य है? महाराष्ट्र का है। लावणी महाराष्ट्र। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, डैश में मनाया जाता है, जैसलमेर में मनाया जाता है, जो राजस्थान में है। मरु महोत्सव राजस्थान यानी कि जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। बिहू किस राज्य में का लोक नृत्य है? असम का। ये तो सभी को पता होगा, बिहू किस राज्य का है? असम का है। यहाँ पर बिहू से तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक कटी बिहू हो गया, एक भोगाली बिहू हो गया, और एक बैसागू बिहू हो गया, यानी कि तीन पूछा जाता है, इसलिए तीनों असम से ही मनाया जाता है। जागोई और चोलोम डैश नृत्य की दो शैलियाँ हैं। मणिपुरी नृत्य की दो शैलियाँ हैं। जागोई और चोलोम जो है मणिपुरी नृत्य की दो शैलियाँ हैं। गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है। गोची त्यौहार हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। गोची त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोत्सु उत्सव हर्ष उल्लास का अवसर होता है, क्योंकि बुआई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव डैश के एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है, नागालैंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मोत्सु त्यौहार, देखिए, मोत्सु महोत्सव या मोत्सु त्यौहार नागालैंड के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों में विकसित हुआ था? असम के मठों में विकसित हुआ। सत्रिया नृत्य कहाँ मठों में विकसित हुआ था? असम के मठों में विकसित हुआ था। और इसके सबसे प्रसिद्ध कौन प्रतिपादक है? शंकर देव, क्योंकि इसी ने शुरुआत किया था सत्रिया नृत्य का। देखिए, मैं ये लोक नृत्य का ये वीडियो हो जाएगा, और इसके बाद मैं जो वीडियो अगला वीडियो आएगा आपको, वो प्रमुख वाद्य यंत्र और प्रमुख नाट्य शैली जितने भी नृत्य कलाकार है उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस हुए हैं उन सभी का आपको नाट्य शैली और नृत्यकार से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में भगवान राम के हाथों में राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? दशहरा का त्यौहार, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों से राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? दशहरा का त्यौहार में रावण को जलाया जाता है। फ्लॉट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। फ्लॉट फेस्टिवल तमिलनाडु, फ्लॉट फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। लाई हरोबा महोत्सव जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मेईतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लाई हरोबा डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मेईतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और किस राज्य का है? लाई हरोबा मणिपुर राज्य का है, ठीक है। मणिपुर राज्य का है लाई हरोबा, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। मणिपुर राज्य का है लाई हरोबा। लाई हरोबा किस राज्य का है? मणिपुर का। और ये मेईतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य यानी कि मास्क डांस है, ठीक है। गंभीरा जो है पश्चिम बंगाल का एक मास्क डांस है। गंभीरा किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। गंभीरा पश्चिम बंगाल का एक मास्क डांस है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? छठ पूजा जो है बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, जिसमें सूर्य के देवता के और पानी की नदी की पूजा की जाती है। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। ये तो सभी को पता होगा, कथकली किस राज्य का है? केरल का है। लाहौर डैश राज्य का लोक नृत्य है? लाहौर जो है मेघालय का एक लोक नृत्य है। लाहौर किस राज्य का लोक नृत्य है? मेघालय का एक लोक नृत्य है। गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से डैश मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। तमिल सवर देव मुर्गन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? कावड़ी अट्टम प्रस्तुत किया जाता है। कावड़ी अट्टम किस तमिल भगवान देव मुर्गन की पूजा में किया जाता है? कावड़ी अट्टम।
सलहेस त्यौहार डैश राज्य मनाया जाता है, बिहार राज्य में मनाया जाता है सलहेस त्यौहार। सलहेस त्यौहार ये नया क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा। सलहेस त्यौहार बिहार राज्य में मनाया जाता है। सलहेस त्यौहार बिहार राज्य में मनाया जाता है। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा का है। संगराई एक भारतीय राज्य त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। संगराई त्रिपुरा। संगराई किस राज्य का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? अंबुवाची महोत्सव जो है असम से संबंधित और वो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। अंबुवाची महोत्सव किस राज्य का है? असम का है। बैसागु उत्सव भारत में डैश राज्य से जुड़ा हुआ है, असम राज्य से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन हमने आपको ऊपर का बताया था, बैसागु उत्सव असम राज्य से जुड़ा हुआ है। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ का। राउत नाचा किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। राउत नाचा छत्तीसगढ़। बगुरम्बा किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? बगुरम्बा जो है असम राज्य का एक लोक नृत्य है। बगुरम्बा असम राज्य का एक लोक नृत्य है। असम का अंबुवाची त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है, जून के महीने में मनाया जाता है। असम का अंबुवाची त्यौहार प्रतिवर्ष जून के महीने में मनाया जाता है, जो कौन से यहाँ पर कामाख्या माता मंदिर में मनाया जाता है, वहीं पर मेला लगता है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है, ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत दिया गया है? वांचो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। गिद्धा पंजाब का, ये भी ठीक है। नोंगक्रेम मेघालय का, लेकिन घूमर जो है ये राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का, लेकिन बिहार का ये नहीं है। वांचो अरुणाचल प्रदेश हो गया, गिद्धा पंजाब का हो गया, नोंगक्रेम मेघालय का हो गया, घूमर राजस्थान का हो जाएगा। मैंने एक लोक नृत्य का वीडियो बनाया था जिसमें सभी टोटल जितने भी राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी राज्य हैं उन सभी का एक लोक नृत्य का वीडियो बनाया था, जिसमें एक राज्य के लगभग मैंने एक राज्य के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो लोक नृत्य के टोटल बताए थे वो लगभग पूरे 28 राज्य के थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश के थे और सभी राज्य के लगभग 10 से 12 लोक नृत्य थे। उस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला वीडियो होगा। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये हमने पूरा ही बता दिया था, असम राज्य में मनाया जाता है। भोगाली बिहू असम राज्य में मनाया जाता है। पाइका एक मार्शल आर्ट लोक नृत्य है या नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है। पाइका एक मार्शल आर्ट है जो किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित, ठीक है। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? मेघालय राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। नोंगक्रेम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है, ये भी मेघालय में मनाया जाता है। नोंगक्रेम उत्सव भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? बंध नृत्य को जो है गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाता है और किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोटीपुआ नृत्य हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? केरल की है। मोहिनीअट्टम केरल की और भरतनाट्यम ये भी केरल की। भरतनाट्यम तमिलनाडु का और कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल की हो जाएगा। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माघ बिहू मनाया जाता है, ठीक है। तीन क्वेश्चन हो गए जो बिहू से संबंधित होता है, इसलिए एक माघ बिहू जो होता है वो भी असम में ही मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। हॉर्नबिल उत्सव भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य और लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? ताज महोत्सव जो है 10 दिन का मनाया जाता है, जो शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों को भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? जल्लीकट्टू का जो त्यौहार है उसमें बहादुर युवकों को क्रोधित सांडों को सामना करना पड़ता है और जल्लीकट्टू किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो सांडों के रोकने से संबंधित है, जिसमें सांडों से लड़ाई भी समझ सकते हैं आप इसको। एला लकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य? केरल का है। एला लकराडी केरल राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। सतरिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है, तो सभी को पता हो चुका है। अब बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार या निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य मनाया जाता है। बस इतना ध्यान रख लीजिए, बोनालू त्यौहार जहाँ भी आएगा तेलंगाना टिक कर लीजिए। बोनाली त्यौहार तेलंगाना और बदुकंबा त्यौहार भी तेलंगाना से ही संबंधित है। भारत किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में, नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बस इतना ध्यान रखें, सागा त्यौहार त्यौहार जो है सिक्किम का। सागा दावा सिक्किम, सागा दावा सिक्किम का त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव जो है राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। बूंदी उत्सव राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व यह महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद बोनालू अपने ऊपर में देखे तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। माथो नारंग हमको नहीं पता है, पता हो जाएगा तो हमको दूसरे वीडियो में बता देंगे। रीता गिद्धा नृत्य करती है या नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। रीता गिद्धा नृत्य जो है पंजाब राज्य से संबंधित है।
कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। ओडिसी नृत्य शैली ओडिशा नृत्य से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको हम शास्त्रीय नृत्य सारे वीडियो क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा कथकली, ठीक है। कथकली जो है किस राज्य का है? कथकली केरल का है। और मोहिनीअट्टम भी ये दोनों केरल का ही हो जाएगा। उसके बाद भरतनाट्यम जो होता है वो तमिलनाडु का होता है। शॉर्ट में बता देते हैं, ओडिसी जो है ओडिसी वो ओडिशा का ही है। मणिपुरी एक हो गया, ये मणिपुर का हो गया। सत्रिया जो है ये असम का हो गया। और कौन सा एक बच गया? देखिए यहाँ पर कुचिपुड़ी बच गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो ये सारे शास्त्रीय आपको याद होना चाहिए। डैश एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खुंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से ओडिशा की लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। छऊ जो है एक मार्शल आर्ट है जो ओडिशा से संबंधित है। दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित? दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित। बस इतना ही ध्यान रख लीजिए, दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश, दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। नागालैंड राज्य में मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का एक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान राज्य का है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान।